वेलकम फ्रेंड्स ऑन एसएससी ज्ञान सागर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं हरियाणा एसएससी ने जो अपने पिछले एग्जाम में पूछे हैं। ये कुल 50 क्वेश्चंस का सेट है। इसके अंदर सभी वो क्वेश्चन हैं जो हरियाणा एसएससी ने हरियाणा से रिलेटेड और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सब है। ये एक ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से, उसमें आपको माइनर सा एक टाइम दिया जाएगा जिसमें आप सोच सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं, कनकादास, सालू मर्दा तिमका, कैंपे गोड़ा या बसवन्ना। ये सभी वही क्वेश्चन है जो हरियाणा एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछे हैं। तो आंसर होगा इसका कैंपे गोड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवंबर 2016 में किन किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास है, 100 और 1000 रुपये, 50 और 500 रुपये, 100 और 500 रुपये, 500 और 1000 रुपये। तो आंसर होगा इसका 500 और 1000 रुपये। एक क्वेश्चन पूछा था कि 2016 में कब, यानी कि डेट पूछी थी, कब करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था, तो वो हुआ था नवंबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या मेघालय। तो आंसर होगा आपका यहाँ से असम राज्य में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? ऑप्शन है, भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा देने की योजना, बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने की योजना, गैर कॉरपोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्रों को धन उपलब्ध कराने की योजना, या भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा सुरक्षा देने की योजना। केंद्रीय योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो आंसर होगा गैर कॉरपोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को धन उपलब्ध कराने की योजना। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? आप सभी को याद भी होगा, ऑप्शन दे रखे 1777, 1765, 1761 या 1762। तो आंसर होगा हमारा यहाँ से 1761 में। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने कौन सी सन में कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो आंसर होगा इसका 700 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था? ऑप्शन से आपके, महाराज कृष्ण, महाराज वैद्य, महाराज वर्धन और महाराज चांद। तो आंसर होगा हमारा यहाँ से महाराज कृष्ण, जिसने हरियाणा को हरना कहा था। नेक्स्ट है, कौन हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे? ऑप्शन है, महाराजा रणवीर सिंह, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, सम्राट ध्यानचंद्र और पृथ्वीराज चौहान। तो आंसर होगा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी कि हेमू। अगला है, साक्षी मलिक हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है? ऑप्शन है, हिसार, फरीदाबाद, रोहतक, रेवाड़ी। तो आंसर होगा रोहतक जिले की। तो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, साक्षी मलिक कौन से खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी एज इट इज वही क्वेश्चन है जो हरियाणा एसएससी ने पूछे हैं, कोई भी बाहर से कहीं बुक से नहीं उठाया क्वेश्चन है कोई भी, सभी के सभी हरियाणा एसएससी एग्जाम के हैं क्वेश्चन। तो इनका संबंध है कुश्ती खेल से। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है? तो कौन सा कहलाता है, करनाल, रोहतक, हिसार, चंडीगढ़ में से? आंसर होगा आपका रोहतक जिले में है ये कार्गो एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यू। जो मंत्रीगण है वो मैंने आपको एक दूसरी वीडियो है उसके अंदर बता रखे हैं। अगर आप हमारे चैनल को पीछे जाके चेक करेंगे, बहुत सारी वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर सभी मंत्रीगण और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं सब कुछ बता रखा है उसके अंदर। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे लिंक दे रखा है, उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप करके बताएं कि आप अच्छे से अच्छा, मतलब रीज़न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों से जुड़ सकें आप और क्वेश्चन शेयर कर सकें, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपके आगामी एग्ज़ाम है वो सब। तो ग्रुप में शामिल कर लूँगा मैं आपको। आज थोड़े गले की प्रॉब्लम मेरे साथ, बोलने में दिक्कत हो रही, चलिए कोई नहीं, फिर भी पार्ट कंप्लीट करते हैं। वर्तमान में हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? तो सभी को पता है इसका, कैप्टन अभिमन्यु जी। नेक्स्ट है, साल 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने किस श्रेणी में रजत पदक जीता था, किस भार में जीता था ये पूछा है। तो ऑप्शन दे रखे आपके पास, 45 किलो, 50 किलो, 55 किलो या 60 किलो। तो आंसर होगा हमारा 55 किलो। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? ऑप्शन है, जरिया, मुस्तफाबाद, कादुना, निमराना। तो आंसर होगा हमारा यहाँ से मुस्तफाबाद। तो मैं माइनर सा टाइम दे रहा हूँ आपको सोचने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के टाइप है ये भी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा महावीर सिंह फोगाट को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये रिसेंटली सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी पूछा गया है, फूड एंड सप्लाई का जो हुआ था।
तो ऑप्शंस दे रखे हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है या खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो ये होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस संत कवि के जन्म का संबंध सीवी नामक गांव से है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बार बार हरियाणा एसएससी पूछती है, आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा, पिछली क्विज देखी होगी, तो आंसर होगा सूरदास। नेक्स्ट है, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था, पंडित श्रीराम शर्मा, धनपत सिंह, पंडित मांगेराम और बाजे भगत, तो आंसर होगा पंडित श्रीराम शर्मा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरी भूमि प्रकाशित हुई थी। ऑप्शंस 1995, 1996, 1997, 98, तो आंसर होगा 1996, 1996 दैनिक हरी भूमि प्रकाशित हुआ था अखबार। अगला है, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी। तो मैंने एक तरीका भी बताया था ये याद करने का, जो पिछले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, पिछली वीडियो देखी है, तो उसमें बताया था मैंने कुछ ट्रिक्स के साथ बताया था कि आप कैसे याद करें, अपना कोई भी तरीका बनाओ याद रखो। तो इसमें ऑप्शंस है खुदाबख्श अहमद, सूरदास, कालिदास, पंडित मांगेराम, तो आंसर होगा खुदाबख्श अहमद। इसका तरीका मैंने बताया था, जैसे हरियाणवी रामायण यानी कि राम से संबंधित है, खुदाबख्श एक मुस्लिम नाम है, तो खुदा ने बख्श दिया जो रामायण पढ़ता है, ऐसे करके याद करो, कोई भी तरीका होना चाहिए याद रखने का। नेक्स्ट आता है, गुरुद्वारा मंजी साहब कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, हिसार, आंसर होगा अंबाला जिले में। नेक्स्ट, कौन सी नदी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन है मारकंडा, इंदौरी, दोहन, कृष्णावती, तो यहाँ से होगा हमारा मारकंडा नदी। नेक्स्ट है, आसीगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो आसीगढ़ नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं हांसी, बहादुरगढ़, सिरसा, अग्रोहा, तो होगा हांसी जिले में, हांसी जिला नहीं सॉरी हांसी में, जो कि हिसार जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। हिसार, रेवाड़ी, यमुनानगर, करनाल, ये भी मैंने तरीका बताया था याद करने का, कालेश्वर, कालासर कैसे होता है, यमुना के पानी से, तो यमुनानगर में है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, यमुना के पानी से नहाने से कालासर हो जाता है, इसे याद करने का तरीका बनाओ, कोई भी बनाओ जो भी आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, जुई सिंचाई प्रणाली कौन सी सिंचाई का एक उदाहरण है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपडेट करता हूँ, मुझको कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, अच्छे लाइक्स मिल रहे हैं, तो मैं और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी, काफ़ी क्वेश्चन अपलोड करूँगा। जो आप चाहोगे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दो, जो क्वेश्चन आपको चाहिए हैं वो बहुत जल्द ट्राई करूँगा बनाने के लिए। नेक्स्ट है, जुई सिंचाई प्रणाली कौन सी सिंचाई का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ग्रेविटी का गुरुत्वाकर्षण, ड्रिप या टपक, स्प्रिंकल या छिड़काव, लिफ्ट या उठाओ, तो आंसर होगा हमारा लिफ्ट या उठाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव नहर से किन दो जिलों में सिंचाई होती है। तो ये तो ऑप्शन देखकर भी पता लग जाता है हमें, गुड़गांव रेवाड़ी, गुड़गांव भिवानी, गुड़गांव फरीदाबाद, गुड़गांव रोहतक, तो इसमें गुड़गांव रोहतक और गुड़गांव भिवानी तो वैसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों शहर भिवानी से सॉरी गुड़गांव से थोड़ा दूर है। तो गुड़गांव नहर से किन दो जिलों में सिंचाई हो सकती है, तो गुड़गांव रेवाड़ी होगा या गुड़गांव फरीदाबाद, तो ये डबल टिप हो गई केबीसी वाली, तो हमारा आंसर होगा यहां से गुड़गांव फरीदाबाद। सॉरी दोस्तों आज गले की थोड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारा, भारत राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। ऑप्शन है 35, 40, 42 या 32, तो आंसर होगा हमारा 35। नेक्स्ट, जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद या फतेहाबाद, तो आंसर होगा हमारा फतेहाबाद में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है। ऑप्शन है हिसार, कुरुक्षेत्र, सिरसा या करनाल, तो ये होगा करनाल जिले में, जो कि 1955 में बेंगलोर से करनाल में स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1923 में हुई थी, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में भी अब ये काम कर रहा है, 1989 में जो शुरू हुई थी डीम्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से कहाँ लोकप्रिय है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं हिसार, कुरुक्षेत्र, पिंजौर या कैथल, तो ये भी ऑप्शन से पता लग जाता है बैसाखी जो मुख्य रूप से कहाँ का त्यौहार है, जो पंजाबियों का, सरदारों का जो बोलते हैं बैसाखी त्यौहार उन्हीं का होता है, तो ये होगा पिंजौर, पंचकुला के अंदर है, जो कि आंसर होगा पिंजौर। नेक्स्ट है, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है। तो बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आई थिंक आपको याद भी होगा, पिछले कई वीडियो में मैंने रिपीट कराया है यही क्वेश्चन, तो ये होगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के रूप में आमतौर पर कौन से दर्पण का
उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा उत्तल दर्पण का, साइंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, जिस प्रतिक्रिया में अम्ल क्षार के प्रति क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है, उस प्रतिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा निष्प्रभावीकरण। नेक्स्ट आता है, हरे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो ये किस प्रकार के पौधे होते हैं? साइंस का क्वेश्चन है भी, स्वपोषी, विषमपोषी, उपभोक्ता या मेहतर। आंसर होगा स्वपोषी। नेक्स्ट, यूपीएससी का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शंस है यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कम्युनिटी, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपको सबको याद भी होगा, ये होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ये, हर बार हरियाणा एसएससी कुछ क्वेश्चंस को ऐसे उठाकर चलते कि हमें ये पूछने ही पूछने हैं, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर होगा यादवेंद्र गार्डन। नेक्स्ट है, अश्वघोष किस राजा के दरबार में रहता था? ऑप्शंस है, जिसने बुद्धि चरित लिखी थी, ऑप्शन है कनिष्क, बाबर, विक्रमादित्य या अशोक। तो आंसर होगा हमारा कनिष्क, इसका भी मैंने तरीका बताया था पिछली वीडियो में। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो कुरुक्षेत्र वाले तो इसको इजीली बता देंगे, शाहबाद, लाडवा, पेवा या थानेसर। तो आंसर होगा शाहबाद में। नेक्स्ट है, चालुक्य की राजधानी शहर कौन सा था? ये जनरल जीके से लिया गया क्वेश्चन, श्रीरंगपटना, बादामी, मदुराई, कांचीपुरम। तो ये होगा चालुक्य, इसका भी एक तरीका याद करने का, चालुक्य कई राजधानी पूछ रखी है, तो चालुक्य हम कैसे याद कर सकते हैं? बादामी, बादाम से याद करो कि बादाम खाने से क्या होता है, दिमाग तेज चलने लगता है, तो चालुक्य की राजधानी बादाम खाने से बढ़ती है, तो ऐसे चालुक्य बादाम इनको कोरिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरौंडा नगर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है करनाल, कैथल, पानीपत, जींद। घरौंडा वाले बता देंगे बहुत इजीली, तो ये आंसर होगा करनाल। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? ये भी जनरल क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा, तो आंसर होगा इनका 5। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल, राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी देवीलाल या पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो गैर कांग्रेसी थे राव वीरेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट, भारत के श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? सॉरी, बहुत प्रॉब्लम आज गले में। नेक्स्ट है, धीरूभाई अंबानी, वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन या एस के बिड़ला। तो श्वेत क्रांति के लिए, श्वेत क्रांति के लिए हैं वर्गीज कुरियन जी, और जो हरित क्रांति है उसके लिए कौन है? स्वामीनाथन जी, जो ऑप्शन सी में दे रखा था। नेक्स्ट है, फर्रुख नगर के किस नवाब ने 1857 में अंग्रेजों से टक्कर ली थी? ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, बलबन, गयासुद्दीन या दलेल खान। तो आंसर होगा गयासुद्दीन, इसको भी आप याद कर सकते हैं एक तरीके से। फर्रुख नगर के किस नवाब ने 1857 में अंग्रेजों से टक्कर ली? तो अंग्रेजों से कोई टक्कर ले पाया है आज तक? अंग्रेजों से टक्कर कोई नहीं ले पाया, तो याद करो गयासुद्दीन। तो ये चला गया अंग्रेजों से टक्कर लेकर, भारत से बाहर ही चला गया अंग्रेजों से टक्कर लेने के बाद। तो अंग्रेजों से टक्कर लेने के बाद गयासुद्दीन गया। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा क्या थे? ऑप्शन आपके चित्रकार, संगीतकार, नर्तक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? तो प्रथम राजकवि कौन है हरियाणा की, बहुत बार पढ़ा ये क्वेश्चन भी, ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन है उदय भानु हंस जी। नेक्स्ट, किसको भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? तो भारत के संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? बचपन से पढ़ा ये क्वेश्चन भी, जनरल नॉलेज का है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो आंसर होगा हमारा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। नेक्स्ट है, ताजे वाला नाम स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर या बदिवानी नहर। तो आंसर होगा हमारा पश्चिमी यमुना नहर, तो इसको भी याद कर सकते हैं। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यमुनानगर में कालेसर होता है नहर में नहाने से, तो ताज़ा यमुना नहर में नहाने से, तो ताजे वाला से भी कैसे याद कर सकते हैं? जो ताज़ा पानी है वो पश्चिमी यमुना नहर में, तो यमुना नहर में ताज़ा पानी है जिससे काला सर होता है हमारा नहाने से। तो ऐसे रिलेट करो सभी क्वेश्चंस को, इजीली याद हो जाते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी याद है तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो इसका आंसर होगा गुड़गांव में। तो गुड़गांव में एक बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि गुड़गांव में जो मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है वो कौन सी लाइन पर है? तो आंसर होगा हमारा येलो लाइन पर।
पीछे एग्जाम में पूछा गया था वही क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आता है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है राजा हर्षवर्धन द्वारा, मराठा सदाशिवराव द्वारा, प्रभाकर वर्धन द्वारा या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। क्वेश्चन में बोला है कि स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कुरुक्षेत्र में है जो कि पुनर्निर्माण करवाया गया था मराठा सदाशिव राव द्वारा, ऑप्शन बी। एक पूछा लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर कि स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो राजा पुष्यभूति द्वारा करवाया गया था। जो पहले निर्माण करवाया गया था वो राजा पुष्यभूति द्वारा, और ये है पुनर्निर्माण यानी दोबारा निर्माण करवाया गया था मराठा सदाशिव राव द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? सभी को पता है तीज पर। नेक्स्ट, सीही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? ऑप्शन है संत रविदास, हरिदास, सूरदास या तुलसीदास। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हरियाणा एसएससी से, तो आंसर होगा संत सूरदास। तो दोस्तों आज के लिए ऑनलाइन तैयारी के इस पार्ट में इतना ही, इस क्विज में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी गले की प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी आपको तो क्वेश्चन करने से मतलब है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं, सारे हरियाणा एसएससी ने अपने पिछले एग्जाम में पूछे थे वो क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट और पार्ट होंगे दोस्तों जो मैं लेके आऊँगा जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे कि आप वीडियो में क्या चाहते हैं, हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं, साइंस से चाहते हैं, पॉलिटिक्स से चाहते हैं, जो भी आप क्वेश्चन चाहते हैं आगामी एग्जाम के लिए, मैथ रीजनिंग, जो भी आप क्वेश्चन चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, यहाँ भी नीचे स्लाइड कर दूंगा मैं, जो नंबर है 70 15 36 72 32 उस पर आप मैसेज कर दे ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। लेकिन उसके अंदर कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड इवनिंग इस टाइप के मैसेज कोई नहीं करने हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कस होगा केवल। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।